बॉलीवुड के फेमस एक्टर शाहिद कपूर आज यानी 25 फरवरी को अपना 41st बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाहिद कपूर को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 को दिल्ली में हुआ था। शाहिद कपूर का नाम उन स्टार्स की लिस्ट में शामिल है जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। तो चलिए आज उनके बर्थडे पर हम आपको ईयर 2022-23 की अपकमिंग मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं। जर्सी फिल्म में शाहिद कपूर एक क्रिकेटर के रोल में नजर आने वाले हैं। शाहिद लगभग 2 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। जर्सी में शाहिद कपूर के अलावा मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर अहम रोल में नजर आएंगे। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी साउथ की पॉपुलर फिल्म जर्सी का हिंदी रीमेक है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें क्रिकेटर के स्ट्रगल को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक प्लेयर पॉलिटिक्स के कारण क्रिकेट को छोड़ देता है। ये फिल्म 2021 में ही रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना के वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ये मूवी 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में आप एंजॉय कर सकते हैं। ब्लडी डैडी अली अब्बास के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ब्लडी डैडी में शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर एक पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। शाहिद कपूर के फैंस उनकी इस मूवी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उनके लुक को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। ये फिल्म एक फ्रेंच फिल्म है जो नीब लॉश का एक ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और भी कई लैंग्वेज में इसे रीमेक किया जा चुका है। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट 31 दिसंबर को फिक्स की गई है। बुल डेब्यूटेंट डायरेक्टर आदित्य निलबारकर द्वारा डायरेक्ट ये फिल्म 1918 के टाइम पर आधारित है। इट इज इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स। बुल ब्रिगेडियर बुलसरा के लाइफ पर रियल इवेंट से इंस्पायर्ड एक एक्शन फिल्म है। इस मूवी की अभी कोई रिलीज डेट सामने नहीं आई है लेकिन ये अप्रैल 2023 में रिलीज होगी। वी होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ।